के अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं, जो उन घरों में फिर से चराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चराग जलाकर। मंच पे भाषण नहीं दिया, जमीन पे अगर आपके साथ कोई दिक्कत होगी, आधी रात याद करोगे तो अभिषेक आपको खड़ा नजर आएगा, पीठ दिखाएगा आपको। मेरे पास फोन आता है ना, तो अगर चाहे दरोगा से लड़ना पड़ जाइए, चाहे टीएम से लड़ना पड़ जाइए, आपका भाई आंख दिखा के बात करता है, आप नीचे करके बात नहीं करता। कि 400 पार लाएंगे किस लिए? संविधान बदलने के लिए। 400 पार चाहिए किस लिए? संविधान बदलने के लिए। भारत के संविधान पे आ जाई तो या तो मार देंगे या मर जाएंगे, इस बात का मुकाबला अपने दिमाग से निकालेंगे। आजकल अभिषेक के नाम पर एक परसेप्शन बना दिया गया है कि अभिषेक कहीं जाएगा तो माहौल बिगड़ जाएगा, अभिषेक कहीं जाएगा तो उसके पीछे नौजवान लग जाते हैं, भीड़ एकदम उग्र हो जाती है, कोई दंगा हो जाएगा। जब माओ बहनों को रात को घर में घुस घुस कर कोई पीटता है और उसकी आवाज अगर मैं मुखरता से उठाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरे समाज के भाइयों को कोई जाति के नाम पे पीटता है और अगर मैं खुर्रा के दिखाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरी माओ बहनों की अस्मत सिर्फ जाति के नाम पे लूटी जाती है और अगर मैं अग्रेशन दिखाता हूं तो क्या गलत है? और अगर ये सारा गलत है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये गलत करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी कहना चाहता हूं कि नौजवानों के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। नौजवान आपको नौसिखिया नजर आता है, क्या कभी इस नौजवान को सिखाने का प्रयास किया? नजर में तुम मूर्ख इसलिए हो कि तुम अशिक्षित हो। जिस दिन तुम लोग शिक्षित हो जाओगे तो बहुत ना चाहने के बाद संवैधानिक दायरे में उलझोगे तो उलझ लो, उसमें भी तैयार हूँ। और अगर लट से उलझोगे तो उलझ लो, उससे भी तैयार हूँ, किसी चीज से पीछे नहीं। बहुत करते हैं ज्योतिबा फुले, आधुनिक भारत में वो पहले शख्स थे जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने की परिकल्पना की थी। अब आप बताओ लोकतंत्र को असल मायने में स्थापित किसने किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने। क्या ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र में कितना डिफरेंस है? बहुत सालों का डिफरेंस है। परिकल्पना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। और सफल किसने किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो अगर मैंने सोचा है तो जिस मूवमेंट को मैं साकार नहीं कर सकता, हो सकता है आने वाला कोई और नौजवान कर दे। बात रखना तुझे, मैं ना हूं याद रखना। किसी की वजह से पीछे गया है तो उन्हीं आरक्षण की मलाई चाटने वालों की वजह से गया है, जो आरक्षण की वजह से नौकरी पे तो लगे, जो आरक्षण की वजह से असिस्टेंट ऑफिसर तो बने, जो आरक्षण की वजह से पुलिस ऑफिसर तो बने, लेकिन समाज को भूल गए, अपने टीवी और टीवी में मस्त हो गए, लेकिन नौजवानों को नहीं देखा, जो नौजवान 24 घंटे इस समाज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये पहुंचे मुझे 100 रुपए दिए, मैं आपके इस 100 रुपए की कद्र करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये 100 रुपए मेरे लिए सिर्फ महज 100 रुपए नहीं है, ये मेरे लिए लाख और करोड़ के बराबर है, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, आपका विश्वास मायने रखता है। कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। अगर मुझे इन्होंने 100 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए के पीछे छिपा इनका विश्वास कितना बड़ा है, मैं उस विश्वास की कदर करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी भी ठेस आएगी और हमारी जरूरत पड़ेगी कि गर्दन कटा के उस स्वाभिमान को बचाना है तो गुरेज नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसीलिए शिक्षा को अपने अंदर लीजिए, किसी के सामने से सब लोगों को आगे करो पहले फटाफट। सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जिनकी आज जन्म जयंती भी है, और आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मन में कभी भी भारत के संविधान के अंदर लोकतंत्र को रखने की वो थॉट वो ख्याल उनके मन में नहीं आता। आज ज्योतिबा फुले वो एक परसेप्शन बना के रख दिए गए हैं जिनको सरकारों ने
मेन चीजों से दूर करके रख दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज गांव गांव के अंदर बच्चों बच्चों ने जान लिया है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिनको पढ़कर जिनको समझकर इस मुहिम को चलाया, इस मूवमेंट को चलाया, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, उनको भी नमन। और उनकी पत्नी माँ सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बार विद्यालय खुलवाया। जब आज हमारी महिलाएं IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पाई और तो और इसी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बन पाई, तो वो देन सावित्रीबाई फुले की थी। आपको भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित नारी के मसीहा, हमें इस देश में मान सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुआ बामसेर, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर माननीय कांशी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम किया और मुझे इस लायक समझा कि आपने इस छोटी सी उम्र में मुझे सम्मान दिया। साथियों, आज क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है, तो मैं शिक्षा की बात से अपनी बात शुरू करूंगा एक नज्म के माध्यम से, क्योंकि समाज ने बहुजन शायर के नाम से समाज के अंदर एक जान पहचान दी और आज पूरा देश आपके इस छोटे से भाई को बहुजन शायर के नाम से जानता है। तो यहाँ मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन के साथ इस नज्म को गाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, वो तो निवाले फले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैंने बात क्यों कही कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्या अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझकर उस शिक्षा को अपने अंदर नहीं उतारा होता, तो क्या भारत का जो एक बड़ा प्यारा सा संविधान हमें मिल पाया, क्या वो मिल पाता? बताओ, अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में विदेश जाकर PhD की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बन जाते? क्या अगर शिक्षा नहीं होती तो वो समाज जिसको कभी खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिसको सम्मान से सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जिस समाज की महिलाओं को पति के मर जाने पे सती हो जाना पड़ता था, क्या वो महिला इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन पाती अगर शिक्षा नहीं होती तो? शिक्षा थी तभी बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा रत्न हमें मिल पाया, और जब भी आज मान सम्मान से मैं आपके बीच खड़ा हूँ, जब भी मान सम्मान से आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आज मैं आपके बीच खड़ा हूँ। आजकल अभिषेक के नाम को एक परसेप्शन बना दिया गया है कि अभिषेक कहीं जाएगा तो माहौल बिगड़ जाएगा, अभिषेक कहीं जाएगा तो उसके पीछे नौजवान लग जाते हैं, भीड़ एकदम उग्र हो जाती है, कोई दंगा हो जाएगा। आप बड़ी जिम्मेदारी से बताओ, जितने लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर, कितने लोग मुझे देखते हैं, हाथ उठा के बताओ, बड़ी जिम्मेदारी से बताना, जितने लोग मुझे जानते हैं। जब माओ बहनों को रात को घर में घुस घुस कर कोई पीटता है और उसकी आवाज अगर मैं मुखरता से उठाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरे समाज के भाइयों को कोई जाति के नाम पे पीटता है और अगर मैं खुर्रा के दिखाता हूं तो क्या गलत है? अगर मेरी माओ बहनों की अस्मत सिर्फ जाति के नाम पे लूटी जाती है और अगर मैं अग्रेशन दिखाता हूं तो क्या गलत है? और अगर ये सारा गलत है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये गलत करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। मैं अपनी माओ बहनों की अस्मत लूटते हुए नहीं देख सकता हूं। अपने बड़ों से भी कहना चाहता हूं, मैं घर में हूं, मैं
किसी पार्टी संगठन का आदमी नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती है। नौजवान आपको नौसिखिया नजर आता है, नौजवान लगता है यार क्या कर रहा है, घर से निकल रहा है, खामे खा शायरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। क्या कभी इस नौजवान को सिखाने का प्रयास किया? क्या कभी इस नौजवान को यह बताने का प्रयास किया कि बेटा ये किताब ऐसे नहीं उठेगी, ऐसे उठेगी? कभी बताने का प्रयास किया? नहीं किया। लेकिन अगर नौजवान आज अपने दम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट, फूले शाहू पेरियार उनकी मूवमेंट, और इस देश में जातियों में बटा समाज जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके जगाया, वो जाटा वाल्मीकि कोरी कुर्मी पासी धोबी थानू कहीर कटरिया गुजर जाट नाई यादव तेली कुमार महाडोम पटेल मुस्लिम, वो तमाम जातियां जिनके साथ जाति का शोषण हुआ, अगर उनको एकजुटता की बात करना गलत है तो मुझे बताओ कि मैं कहां से गलत हूं। क्यों ऐसा परसेप्शन समाज के बीच बना दिया जाता है कि नौजवान कोई काम करने निकलता है तो वो गलत है? आइए ना कभी हमारे साथ मैदान में काम करके तो देखिए। जब हापुड़ के अंदर मैं गया और रात को मेरे पास माओ बहनों के फोन आ रहे थे कि भैया पुलिस घर में घुस घुस के हमें पीट रही है। किसने पीट रही है? क्योंकि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया, जिन्होंने हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें तमाम राइट दिए, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमने उनकी प्रतिमा लगाई तो पुलिस ने हमें घर में घुस घुस के मारा। तो बताओ क्या उनके दर्द को, उनकी चीख को, उनकी कमर पे पड़ी हुई लाठी को देख के मैं अपने घर में बैठ सकता हूँ क्या? नहीं बैठ सकता हूं। अगर इसके लिए इस सूबे के मुख्यमंत्री से क्या इस देश के प्रधानमंत्री से भी टकराना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि जो परसेप्शन लोगों ने बना रखा कि सदियों से शोषण का शिकार समाज अगर आज भी उनसे पिटता रहेगा तो नहीं। आज ये नौजवान भारत के संविधान को मानता है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या आज भारत का संविधान कितना बचा हुआ है? क्या इस देश में लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र मुझे बताओ? कहीं भी हमारे लोगों को बोलने की आजादी नहीं, कहीं भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की आजादी नहीं, कहीं भी हमारे लोगों को मान सम्मान से मूंछ रखने की आजादी नहीं। कभी पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, कभी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी हमारी बहनों को आईएएस आईपीएस पीसीएस जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर बनने पे मार दिया जाता है। तो क्या पिटते रहे? तो क्या छीनते रहे? अगर दूसरा संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है तो अगर उस संविधान को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी तो संकोच नहीं करेंगे भाई। क्योंकि अगर भारत का संविधान है तो मुझे सारे राइट है, और अगर भारत का संविधान नहीं है तो याद रखना गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी, और गले में हांडी पीछे झाड़ू मुझे नहीं चाहिए, गर्दन कटवानी मंजूर करूंगा। क्योंकि मुझे मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन चाहिए, और हम लोग लोकतंत्र को और संविधान को कितना अच्छा मानते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, इस बात का सबूत वो तमाम मेरे आंदोलन है, वो तमाम मेरे सारे वो एक्टिविटीज है जिन एक्टिविटीज में जाके हमने काम किया है। कितने लोग जानते हैं कि मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक पैदल मार्च किया था? कितने लोग जानते हैं बताओ? क्या वो पैदल मार्च अगर किसी नौजवान ने सोचा, किस लिए सोचा? मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, और जो समाज हुकुमरान नहीं होता है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिनके हुकुमरान नहीं होते हैं उनकी बहन बेटियों की अस्मतें लुटती है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। तो अगर मैं अपने नौजवान अपने नेताओं को एकजुट करने की बात कर रहा था तो बताओ कुछ गलत कर रहा था क्या? एक साथी बोल रहे थे कि अभिषेक नेताओं को एक करने निकला, बताओ कितने नेता एक हो गए? प्रयास तो कर रहे हैं क्या? ज्योतिबा फूले के प्रयास से कहां सफल हुआ आगे? ज्योतिबा फूले कब थे? मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता की चाबी तक पहुंचाया। तो जिस मूवमेंट को अभिषेक छेड़ रहा है कि बहुजन नेताओं साथ में आओ, हो सकता है वो चिंगारी के रूप में साबित हो सकता है मैं मर जाऊं, मैं उसको सफल ना कर पाऊं, लेकिन इन नौजवानों पर इतना भरोसा है, आज इतना भरोसा है कि जब अपने भाई पे इतना विश्वास दिखाते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो मूवमेंट ज्योतिबा फूले ने चलाया वो वही साकार करते हैं। ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत में वो पहले शख्स थे
जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने की परिकल्पना की थी। अब आप बताओ लोकतंत्र को असल मायने में स्थापित किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने। क्या ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की उम्र में कितना डिफरेंस है? बहुत सालों का डिफरेंस है। परिकल्पना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। और सफल किसने किया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने। तो अगर मैंने सोचा है तो जिस मूवमेंट को मैं साकार नहीं कर सकता, हो सकता है आने वाला कोई और नौजवान कर दे। हम तो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी पीढ़ी को गुलाम होते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नौजवान घर से नहीं निकलने चाहिए? मुकदमे लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लाठियां लग जाएंगी। क्या गलत कर रहे हैं? क्या लड़की छेड़ने के मामले में जेल जा रहे हैं? क्या कहीं चोरी चकारी करके जेल जा रहे हैं? क्या किसी का कत्ल मर्डर करके जेल जा रहे हैं? अगर जेल जा रहे हैं तो भारत के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार उस संविधान को खत्म करना चाहती है। वो उस खेमे में खड़ी है और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। हम उस खेमे में खड़े हैं और अगर भारत के संविधान को बचाने में मुकदमे लगते हैं तो एक नहीं 1,00,000 मुकदमों का स्वागत है, क्योंकि जेल क्रांतिकारियों का गहना होती है। नौजवान क्यों? नौजवानों को नौसिखिए कहा गया। कहते ना नौजवान नौसिखिए होते हैं। नौजवान तो भगत सिंह भी थे। 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए आस्ते आस्ते फांसी के फंदे को चुनके चरखे से मिली क्या आजादी? है आजादी तो फांसी पे झूलने से मिली। और अपने समाज के लिए मरना पड़ा तो संकोच नहीं करूंगा, बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। एक बार नहीं 1,000 बार साबित किया है कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में इस समाज की प्यास बुझा कर रहेंगे। और जो सिर झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सिरों को फिर से उठा कर रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चराग जला कर रहेंगे, उन घरों में फिर से चराग जला कर रहेंगे। ये समाज जिस समाज की उत्तर प्रदेश में 4-4 बार कभी सरकार हुआ करती थी, अगर उस समाज का कोई व्यक्ति कोई कूड़ा पट्टी धोती में भी पहुंच जाया करता था तो दरोगा अपनी कुर्सी छोड़ दिया करता था। वो सत्ता की ताकत है। और अभिषेक सामाजिक परिवर्तन के उस मूवमेंट को लेकर निकला है जिस मूवमेंट को कभी माननीय कांशीराम साहब लेकर निकले थे। मैं कभी भी सच बोलने से संकोच नहीं करता हूँ। माननीय कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमें छोड़कर गए थे। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मेरे नौजवान साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे भी बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब अगर नहीं होते, बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत अगर जीवित करने वाला कोई शख्स था तो वो शख्स था माननीय कांशीराम साहब। क्योंकि अगर माननीय कांशीराम साहब नहीं होते तो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार नहीं हो रही होती। और आज माननीय कांशीराम साहब का क्या सपना था, बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या सपना था? वो हमें इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे, लेकिन 2006 को माननीय कांशीराम साहब हमें हमारे बीच से छोड़कर चले गए। 9 अक्टूबर की डेट थी। उनके बाद उनका सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट कहां है? राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या आज इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कोई लड़ रहा है? क्या समाज का एक भी व्यक्ति आपको दिखता है जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है? क्या है सामाजिक परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मेरा भाई चाहे बसपा से हो, चाहे असपा से हो, चाहे वो अन्य किसी राजनीतिक दल से हो, लेकिन जब मेरे साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है तो सामाजिक एकता दिखाते हुए मेरे साथ खड़ा हो। ये है सामाजिक परिवर्तन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। तो जब तक शिक्षित नहीं बनोगे जब तक कुछ नहीं होगा। वरना ये बड़े बूढ़े सफेद बाल वाले तुम्हें यही कहते रहेंगे कि नौजवान नौसिखिए हैं। अगर इनको बताना है कि तुम नौसिखिए नहीं हो तो पहले शिक्षा को भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूँ कि जो कोई सा भी मूवमेंट हो, अगर उस मूवमेंट को सफल करना है तो नौजवानों के हाथ में नेतृत्व देना पड़ेगा। जब तक आप लोग नौजवानों को आगे नहीं लाओगे कोई भी मूवमेंट साकार और सफल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इस समाज को ये समझते हैं कि भाई ये तो समाज बहुत कमजोर है, कभी भी पीट लो, कभी भी छेद लो। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे? किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे? मैंने कहा भीमा गोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, तब भी बहादुर थे। हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। कमी बस एक है
कि आज थोड़ी सी आपस में मतभेद बन गए तो अलग अलग कर रहे हैं। एक चीज और याद रखना, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे किस लिए, संविधान बदलने के लिए, 400 पार चाहिए किस लिए, संविधान बदलने के लिए। तो देखो कुछ भी करना, लेकिन भारत के संविधान की तरफ आंख उठा के मत देखना, क्योंकि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया उनके वंशज अभी जिंदा है, और अगर भारत के संविधान पे आ जाए तो या तो मार देंगे या मर जाएंगे। इस बात का मुगालता अपने दिमाग से निकालना। जिन लोगों को भी यह मुगालता हो गया कि वो भारत के संविधान को खत्म कर देंगे, अगर भारत के संविधान पे आ जाए तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, हम 528,000 मारे थे और आज हमारी संख्या इस देश में 90% है, भागने की जगह देने वाले। मैं आपके बीच यहां थोड़ा सा दुख भी शेयर करना चाहता हूं। दुख इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप सबसे दुख शेयर करना भी बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं वर्तमान समय में किसी भी पार्टी संगठन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूं। जानते हैं ना बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किसी पार्टी संगठन का हिस्सा नहीं। क्या आप कभी इस तकलीफ को महसूस करते होंगे कि एक नौजवान, मेरी माताएं बहने भी यहां बैठी हैं, क्या एक नौजवान जब अपने घर से निकलता होगा, आप वीडियो में अमूमन देखते होंगे कि टोल पे 300 पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने गाड़ी का दाखिला रोक लिया, बहुत सारे लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, गाड़ियों पे कभी हमले हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी से सवाल कर रहा हूं, क्या आप मुझे बताओ, अपना बच्चा समझ के क्योंकि मेरे घर पे भी एक माँ है जो निकलता हूं तो 10 बार फोन करके पूछ लेती है कि अब कहां पहुंच गए, क्योंकि वो सुनती रहती है ना जब फोन आते हैं और मारने की धमकी देते हैं लोग। तो आप सोचो, बड़ी जिम्मेदारी से पूछ लो कि कितनी तकलीफ से ये मिशन और ये मूवमेंट हम चला रहे हैं। अच्छे से जानते हैं ना, यहाँ की तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी है ना कि एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को मार देते हैं, पुलिस भी नहीं सुनती है। तो आप सोचो, मेरे पीछे तो कोई बैकबोन भी नहीं है। जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ियां खराब हो गई, लेकिन पहुंचना भी था आपके पास, इसीलिए लेट हो गए। आप सब लोग इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, लेकिन लेट इसीलिए हो गए क्योंकि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब बिना गाड़ी के तो चल भी नहीं सकते, और जब गाड़ी चलती है तो उसमें क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। क्या बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है? नहीं चलती है। भाई मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं इस मूवमेंट का बहुत छोटा सा सिपाही हूं, और मैं आपके बीच कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता, कुछ भी छुपाने से गुरेज नहीं करता हूं। भाई आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहीं जाऊंगा आऊंगा, मैं 24 आवर्स मूवमेंट का कार्यकर्ता हूं, मेरे पास एक बड़ी टीम है 30-35 लोगों की जो अपने घर परिवार छोड़ के मेरे साथ चलती, और मैं सिर्फ मंच पे भाषण नहीं दे रहा, जमीन पे अगर आपके साथ कोई दिक्कत होगी आधी रात याद करोगे तो अभिषेक आपको खड़ा नजर आएगा, पीठ भी दिखाएगा आपको। अभिषेक आपको किसी भी कीमत पे पीठ भी दिखाएगा। यहाँ के लोगों ने अजमा कर देख रखा है, हापुड़ के लोगों ने भी अजमा कर देख रखा है, बुलंदशहर के लोगों ने भी अजमा कर देख रखा है। अगर मेरे पास फोन आता है ना तो अगर चाहे दरोगा से लड़ना पड़ जाइए, चाहे टीएम से लड़ना पड़ जाइए, आपका भाई आंख दिखा के बात करता है, आंख नीचे करके बात नहीं करता। और ये ताकत अगर मुझे किसी ने दी है तो ये ताकत आपने दी है, बड़ों के आशीर्वाद ने दी है, और माओ बहनों की उस हिम्मत ने दी है जो इतनी रात को भी यहाँ मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर कोई नौजवान अपने घर से निकलता है और यहाँ तक आपके लिए पहुंचता है, 24 घंटे इसी मूवमेंट में लगा हुआ है, तो क्या उसके पास पैसे कमाने का समय है? आप मुझे बताओ कि क्या उसके पास पैसे कमाने का समय है? नहीं है। अगर मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं तो इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी है मुझे बता दो, मुझे चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है मुझे चलाने की? अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से यहां की दूरी कितनी है? कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक देखो आपका भाई इतना कमजोर नहीं है, अगर यहाँ कोई ये सोचे कि मैं अपने समाज के बीच अपनी बात रख रहा हूँ, साथ दूसरा अगर कोई ये समझे कि मैं कमजोरी बयां कर रहा हूँ, तो आपका भाई कमजोर नहीं है। मैंने तो हमेशा से कह रखा है कि संवैधानिक दायरे में उलझोगे तो उलझ लो, उसमें भी तैयार हूँ, और अगर लट से उलझोगे तो उलझ लो, उससे भी तैयार हूँ, किसी चीज के पीछे नहीं। बहुत बड़ी टीम है, संविधान
संविधान को इस स्तर तक मानता हूँ कि जहाँ मैं कुछ भी करा सकता हूँ ना, मैं वहां भी कुछ नहीं करता, संविधान के दायरे में सारी चीज करता हूँ। अब मैं आपको कुछ नज़में सुना देता हूँ, क्योंकि मैं बड़े दुख और तकलीफ से लिखता हूँ, महापुरुषों को पढ़ के लिखता हूँ, और जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, ख्याल चलो रही है इधर, वो पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, वो पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, वो जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, वो दर्द गाने को भी हौसला चाहते लिए दर्द लिखता हूँ मैं, वो चाहते लिए दर्द लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, वो अपनी याद रखना, मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं रहूंगा रहूं याद रखना मुझे, क्योंकि नहीं पता कि कब आपके बीच एक खबर आ जाए कि अभिषेक को कहीं गोली मार के मार दिया, या अभिषेक को कहीं ऐसे मार दिया, क्योंकि नहीं पता कुछ भी, क्योंकि आज डॉक्टर अम्बेडकर फूले शाहू पेरियार के मूवमेंट पे चलना, ये समझो तलवार की धार पे चलने के बराबर है, क्योंकि हम उन लोगों से टकरा रहे हैं जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाने की मंशा रखी, और आने वाले 2024 में, आने वाले 2024 में अगर वो लोग पुनः स्थापित हो गए तो भारत के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और जब उस खतरे को बचाने हम लोग जाएंगे तो वो जिस स्तर तक चाहे वो उस स्तर तक काम कर सकते हैं। ये जी ने मुझे 100 रुपए दिए, मैं आपके इस 100 रुपए की कद्र करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन 100 रुपए मेरे लिए सिर्फ महज 100 रुपए नहीं है, ये मेरे लिए लाख और करोड़ के बराबर है, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, आपका विश्वास मायने रखता है, कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। अगर मुझे इन्होंने 100 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए के पीछे छिपा इनका विश्वास कितना बड़ा है, मैं उस विश्वास की कदर करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के मान सम्मान स्वाभिमान पे कभी भी ठेस आएगी और हमारी जरूरत पड़ेगी कि गर्दन कटा के उस स्वाभिमान को बचाना है तो गुरेज नहीं करेंगे, आपके मान सम्मान को कतई छुटने नहीं देंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां भी करते हैं, बहुत सारे लोग भारत के संविधान को बदलने की बात भी करते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, जिस दिन औकात में आऊंगा तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे तुमने जमीन में गाड़ देंगे। ये वो शेर है जिस शेर ने पूरे देश में मुझे एक पहचान दी, और अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो सिर्फ कहने पे नहीं, अजमा के देख लेना, अपना इलाज अपने पास रखना, खुदाई देख लेना कि गाड़ना कहां है, अगर संविधान पे आ जाएगी तो गाड़ देंगे तो गाड़ ही देंगे। अगर मुझे और सुनना चाहते हो तो हाथ खड़े करो, बड़ा धन्यवाद कह के अपनी बात लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा
कोई अब साथ का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। कई सदियों में कलाकार तो होनी, कलाकार तो भाई साहब बैठे हुए भी तो पहले बैठ जाता कभी भी, क्योंकि लगातार चलना भी होता है। ये धनराशि आ रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जेब में और अकाउंट में सिर्फ मात्र 27 रुपए और 9 पैसे बचे हुए हैं, और आपका ये जो पेमेंट मेरे पास आ रहा है ये उस अकाउंट के पैसे को थोड़ा सा बढ़ा देगा और हम फिर से मूवमेंट में अच्छे से काम कर पाएंगे। देखो जब खुशी के प्रोग्राम होते हैं उनमें जो आप सहयोग करते हैं और जो बच जाता है, फिर जब किसी की दुख मुसीबत और पीड़ा में हम जा रहे होते हैं, आप कितने लोगों ने देखा कि मैं कासगंज के अंदर एक लड़के को मार दिया मैं वहां गया था, कितने लोगों ने देखा कि रामपुर के अंदर बोर्ड लगाने में मार दिया मैं वहां गया था, कितने लोगों ने देखा कि आगरा के अंदर एक बच्चे को मार दिया था जाति पे पत्थर से मार मार के मैं वहां गया था। कहीं भी उत्पीड़न में जाने में क्या कोई पैसे देता है? क्या मैं उनसे पैसे मांगूंगा कि मैं आपके उत्पीड़न में आपकी मदद करने जाऊंगा जब आप मेरी मदद करो? तो जब ऐसे खुशी के प्रोग्राम होते हैं, देखो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, यथा मत लेके जाना, सब अपने ऊपर मत लेके जाना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, पे बैक टू सोसाइटी, और पे बैक टू सोसाइटी उन लोगों के लिए कही थी कि भारत का संविधान बनने के बाद जितने लोग नौकरी पेशे पे लगेंगे वो अपनी कमाई का 5% हिस्सा उन लोगों पे खर्च करेंगे जो मेरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर यह मूवमेंट किसी की वजह से पीछे गया है तो उन्हीं आरक्षण की मलाई चाटने वालों की वजह से गया है, जो आरक्षण की वजह से नौकरी पे तो लगे, जो आरक्षण की वजह से स्टेट ऑफिसर तो बने, जो आरक्षण की वजह से पुलिस ऑफिसर तो बने लेकिन समाज को भूल गए, अपने टीवी और टीवी में मस्त हो गए लेकिन नौजवानों को नहीं देखा, जो नौजवान 24 घंटे इस समाज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनकी वजह से मूवमेंट खराब हुआ। अगर हमें आपके लिए अपनी खाल भी उतारनी पड़ेगी तो उतार देंगे, धीरे धीरे बीमारियां लग जाएंगी वो भी देख लेंगे, लेकिन आप लोगों से इतना कहूंगा कि विश्वास बना के रखना अपने अंदर, नौजवानों अपने अंदर शिक्षा की चीजों को ऑब्जर्व करो, इन बड़े बूढ़ों की नजर में तुम मूर्ख इसलिए हो कि तुम अशिक्षित हो, जिस दिन तुम लोग शिक्षित हो जाओगे तो बहुत ना चाहने के बाद भी अभिषेक यादव सियाने जैसे मंचों से दहाड़ता रहेगा, और जब तक आता रहेगा जब तक आप लोग बुलाते रहेंगे, और अगर मेरे पास शिक्षा नहीं होती, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब जनरेशन ऑफ कास्ट को नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब तथागत बुद्ध और उनके धम्म को नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखी किताब चमचा युग को नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई किताब गुलाम गिरी को नहीं पढ़ा होता तो आपके बीच नौजवान दहाड़ नहीं रहा होता। इसीलिए शिक्षा के अंदर जो पावर है वो पावर किसी के अंदर नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसीलिए शिक्षा को अपने अंदर लीजिए, किसी के सामने से लड़ने मत चाहिए, क्योंकि सरकार पानी पी लूंगा बाद में, बहुत साल तक आपके बीच जीवित रहूंगा, इतनी जल्दी मरूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे कंधों पर समाज ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, पूरे देश के अंदर लाखों लोग आज मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरे समाज के लोग हैं। एक भाई बार बार कह रहे थे कि सोशल मीडिया स्टार, मैं कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं हूँ, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर दूंगा तो मुझे ये समाज फिर से खाक में मिला देगा, अगर मेरी पहचान है तो इसलिए है क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेता हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, आपके समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मैं आपका कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, इतना कहूंगा कि जब मन करे अजमाएगा, आपकी खुशी में आपके बीच में आ पाऊं, लेकिन आपके दुख में आपकी तकलीफ में आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, आपके पास हमेशा खड़ा रहूंगा, गले ने साथ दे साथ छोड़ दिया वरना और भी बहुत देर आपसे बोलता, ये दर्द करने लगते हैं, लगातार मीटिंगें और सारी चीजें होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मेरे साथ ही अपना विश्वास, ये प्यार, ये प्रेम ऐसे ही बनाए रखना, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आबो हवा है जिस जनपद के अंदर हूँ, बहुत सारे लोग कम जानते हैं, मैं दिल्ली के अंदर बेशक रहता हूँ, लेकिन इसी आबो हवा के अंदर
मेरे पुरखे रहे हैं, क्योंकि मैं जनपद बुलंदशहर का ही रहने वाला हूँ, जंगीराबाद कस्बा जंगीराबाद के गांव खालोर के अंदर, हालांकि मैं ज्यादा गया नहीं हूँ, मैं पढ़ा हूँ कस्बा जंगीराबाद के अंदर गांव खालोर पड़ता है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बुलंदशहर से मुझे इसीलिए बहुत मोहब्बत है क्योंकि इस आबो हवा ने मेरे जैसे व्यक्ति को तैयार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद विश्वास दिखाने के लिए। और यहाँ की जितनी भी कमेटी है, मैं उनसे भी एक बार कहूंगा कि आप एक बार मंच पे आ जाए, जितनी भी कमेटी के लोग एक बार मंच पे आ जाए सब लोग। मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, इतना भव्य प्रोग्राम किया, मैं उन तमाम लोगों से चाहूंगा कि आप यहाँ आ जाए मंच पे, आप सामने आ जाइए सामने। आप कहाँ पर मंच पर सवाल करेंगे?